अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका सीरीज ख़त्म हुई और जैसा कि हमने देखा कि T20 सीरीज़ भी हम हार गए और ये T20 की सीरीज़ हम 11 लगातार सीरीज़ जीतने के बाद हारे हैं और इसमें हमारे कप्तान ऑब्वियसली शुएब मलिक साहब थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा पाकिस्तान के लिए। और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट ये रहा कि बेंच पे बैठे हुए बहुत सारे प्लेयर्स जिनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टीम का हिस्सा बनेंगे वो ना बन सके। साहबजादा फरहान को एक भी मैच ना मिल सका, जिस तरह हमने देखा कि शान मसूद को कोई मैच ना मिला ODI सीरीज़ में। लेकिन सीरीज़ ख़त्म होने के बाद और T20 सीरीज़ भी ख़त्म होने के बाद हमने देखा कि कप्तान की भी तरक्की हुई। वो एक सीरीज़ के कप्तान से अब वर्ल्ड कप तक के कप्तान बन गए। और हमने देखा जिस तरह एहसान मानी साहब और सरफराज अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जॉइंट, उसमें काफ़ी मजबूत चीज़ें रहीं सरफराज अहमद के लिए। और आज हमने देखा कि मिकी आर्थर साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखे, नए टर्म पे भी जाने की बातें हुई। सो लग ऐसा रहा है कि हम सीरीज़ शायद साउथ अफ्रीका से जीत के आए हों। और जो तीन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारी टीम के, मिकी आर्थर साहब, सरफराज अहमद और इंजमाम उल हक बकौल मिकी आर्थर के, वो सब एक सेम पेज पे हैं। जो सिलेक्शन है वो भी सेम पेज पे हैं सारे प्लेयर्स। सो जो भी नाइंसाफियाँ हो रही हैं, जो भी हार हो रही है, उस सब के सभी ज़िम्मेदार हैं। लेकिन जो अच्छी खबरें हैं इन बड़े लोगों के लिए वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। सो हम आज के शो में यही बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या वाकई सब चीज़ें सही हैं, क्या ये सीरीज़ हारना कोई घबराने की बात नहीं है, और क्या हमारे पास यही 15-16 प्लेयर्स हैं जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं वर्ल्ड कप के लिए। इन सब पे बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान साहब। ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। और हमें लाहौर से ज्वाइन किया है हाफिज़ इमरान साहब ने। हाफिज़ इमरान साहब आपको भी वेलकम करते हैं शो पे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। ऑल राइट, सो हाफिज़ साहब इज़ ऑल्सो विद अस। ताहिर आपसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 11 सीरीज़ जीतने के बाद ऑब्वियसली वो ऐसा तो कोई सीक्वेंस नहीं होती कि आप 50 सीरीज़ एक साथ जीतेंगे। देर हैज़ टू बी अ सीरीज़ वेयर यू विल हैव अ सिचुएशन वेयर यू लूज़ द सीरीज़। लेकिन हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो टीमें हैं वो मैच हारने के बाद भी जीतने के बाद भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ को ट्राई करती हैं, और स्पेशली T20 क्रिकेट में ट्राई करती हैं, ताकि आपके जो यंगस्टर्स साउथ अफ्रीका ट्रैवल करके गए हैं या किसी और मुल्क ट्रैवल करके गए हैं और जिनको लोग देखना चाहते हैं, बड़े अच्छे अच्छे नाम थे, साहबजादा फरहान थे, शान मसूद की परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में इतनी अच्छी थी। सो डू यू थिंक कि एवरीथिंग इज़ राइट, और जो इतना पॉजिटिव हमें दिखाया जा रहा है और खुशियाँ बांटी जा रही हैं सारे बड़े लोगों में, डू यू थिंक सब सही है? फैसल भाई, सबसे पहले तो बता दूंगा पॉजिटिव इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि PSL सर पर है इनके। हाँ। तो इस वक्त वो जितनी बुरी शिकस्त हमें हुई है, हम उसको छुपाने के लिए हम सब बोल रहे हैं जी एवरीथिंग इज़ फाइन, हम सब एक पेज पर हैं। अगर आप एक पेज पर हैं तो आपने शान मसूद को 5 मैच तक क्यों बिठा के रखा आपने वनडे में? आपने चांस नहीं दिया। 3 T20 में आप एज अ स्पेशलिस्ट फरहान साहबजादा फरहान को लेके गए, आपने नहीं बिठाया, तो भाई लेके क्यों गए फिर आप उस लड़के की क्यों दिल को आप मार रहे हो? आप कोई और वही लड़के खिला लो। अगर आपने तय कर लिया है कि आपने फखर जमान को ही खिलाना है, चाहे उसकी बैड परफॉर्मेंस भी हो रही हो, तो भाई खिलाते रहो फिर उसको, ताकि आप अनाउंस कर दो कि जी फखर वर्ल्ड कप में जा रहा है, ताकि जो एक अगला ओपनर आने के लिए रेडी बैठा हुआ है, ताकि उसको इत्मीनान हो जाए कि ठीक है जी मेरा इस वर्ल्ड कप में कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल सही। नंबर टू बात यह है कि आप बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी आप देखें, आप हसन अली की परफॉर्मेंस देखें, इस पूरे टूर में मैं समझता हूँ वर्स्ट परफॉर्मेंस हुई है एज अ हसन अली की एज अ बॉलर। आप से ना लाइंथ मिल रही है ना आपसे लेंथ मिल रही है। आप शाहीन शाह आफरीदी को देखें यार, ही इज जस्ट कम इन दिस इंटरनेशनल क्रिकेट, वो अच्छा कर रहा है। आप उसने कैसे अपने आप को फॉरन कैपिटलाइज किया कि यार इस सिचुएशन में मैंने क्या बॉल करने है, कटर्स मारने हैं, स्लोअर मारने, पिच को रीड, हसन अली वही तेज से आके वही ओवर द पिच बॉल कर रहे हैं, बॉल आपको हिट लग रहे हैं, आप चेक तो करें। ताहिर भाई, हमने सेकंड T20 में देखा कि एक तरफ शिनवारी जो है वो ज़्यादा पेस कराने वाले से पिट रहे थे और शॉर्ट बॉलों पे वो पिट रहे थे, हमने देखा कि हसन अली उसके बाद ओवर कराने आए वो भी पेस मार रहे हैं, वो भी शॉर्ट बॉलें करा रहे हैं, अच्छी इनके पास स्लोअर वन है, हमने देखा बड़ी कामयाबी से स्लोअर वन कराते हैं, लेकिन मेंटली ही डजंट लुक टू बी ओवर देयर इन द ग्राउंड, मतलब वो गलतियाँ करते जाते हैं। हाफिज़ साहब की तरफ आएंगे। इमरान, आपसे पूछेंगे कि इन जो प्लेयर्स हैं जो अच्छा पोटेंशियल हमारे पास बेंच पे बैठा है, उसको मौका ना मिलना, और दूसरी तरफ हमने आज मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते सुना उनको कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, वो ये कहते हैं हमने इंडिया से भी ज़्यादा क्रिकेट खेली है, जो गलत था। हालांकि उन्होंने कहा मैंने बड़ा काम किया है, मैंने देखा है कि सरफराज ने कितने कैचेस छोड़े हैं, उन्होंने एज अ कीपर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन डू यू थिंक कि वो एक्सक्यूज़ ढूंढते हैं? और फिर क्योंकि ज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंस वो अंग्रेज़ी में करते हैं तो हमारे जो बेचारे जर्नलिस्ट हैं वो थोड़ा घबराते हैं सवाल करने में भी, और सही से जो रियल उनके दिल में होता है वो आ नहीं पाता। डू यू थिंक कि वो इस सिचुएशन से गेट अवे कर जाते हैं? और टेक्निकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे फ्लॉज हैं जो हाईलाइट नहीं हो पाते।
देखिए बहुत शुक्रिया फैसल। आज जहाँ तक ताल्लुक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, उसमें सहाफ़ियों ने उनसे बड़े तेज़ और तीखे सवाल किए, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। एक तो बात यह कि किसी से हाथ नरम नहीं रखते हैं जब उनसे मीडिया के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और शायद मेरा ख्याल है कि यही एक वजह है कि भले आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात कर रहे हैं या उर्दू ज़ुबान में बात करने वाले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, उन्होंने कल जब गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी उसके बाद मीडिया का सामना करने से उन्होंने नहीं किया, और कोई भी मीडिया के साथ उनकी प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई थी। तो ये सवालात तो पूछे जाते हैं। जहाँ तक ताल्लुक आपके इस सवाल का है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने जिन ख्यालात का इजहार किया कि हमने बहुत क्रिकेट खेली है जिस वजह से हमें मसाइल का सामना रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्रिकेटर्स हैं, अगर वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो क्या खेलेंगे? बिल्कुल सही बात। जब वो क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर क्रिकेट खेलते हुए उनकी कारकर्दगी ख़राब हो रही है, तो ये किस किस्म का एक माजरत खाना रवैया है कि आपका जो काम है जिसके आपको पैसे मिलते हैं, जो आप प्रोफेशनल हैं, आप बैसीत कोच प्रोफेशनल हैं, क्रिकेटर्स बैसीत खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, उनको लाखों रुपए मिलते हैं, अल्लाह करे उनको करोड़ों रुपए मिले, इससे इस पर कोई बात नहीं है, लेकिन जब आपको जिस काम के लिए रखा गया है, जिस काम के लिए आप सारी दुनिया में सफ़र करते हैं, आपको हर चीज़ ज़िंदगी की वो तमाम आसाइशें मिलती हैं जो काम पाकिस्तानी के बजाय एक अच्छे भले पाकिस्तानी की पहुँच से भी दूर हैं, और आप उसके ऊपर ये कह दें कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है, आप मवाजना कर दें कि हमने फ़लाँ मुल्क से भी ज़्यादा क्रिकेट खेली, हमने फ़लाँ मुल्क से भी ज़्यादा क्रिकेट खेली, आप कह दें कि हमने भारत से ज़्यादा क्रिकेट खेली, जैसा कि आपने कहा कि मेंशन किया, आपने जिक्र किया कि उन्होंने ये हवाला दिया, तो वो ये भी बता दें कि भारत की कारकर्दगी क्या रही, पाकिस्तान की कारकर्दगी क्या है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और आप भारत के साथ क्रिकेट खेलने का मवाजना कर रहे हैं, आप नतीजे का मवाजना क्यों नहीं कर रहे हैं? और सवाल उनसे यही पूछा गया था कि भारत की परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी हैं बाहर के मुल्कों में, न्यूजीलैंड से हम रिसेंटली होम सीरीज हार रहे हैं और भारत जाके न्यूजीलैंड को हरा रहा है, सो यही सवाल होता। हम ताहिर की तरफ दोबारा आते, ताहिर आपको लगता है कि एक डाइकोटमी ये भी है कि एक तरफ आके आप कहते हैं कि हमने क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली, जिसका इमरान ने बड़ा सही जवाब दिया कि आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलने के ही लिए ही आपको ये सारी मरात मिलती हैं, और अगर वही खेलने में आप थक रहे हैं तो फिर आप क्यों खेल रहे हैं? दूसरा, अगर आपके कुछ प्लेयर्स हो सकता है कि वो फटीग्ड हो जाएं, थक जाएं, तो आप दूसरी तरफ चांस भी नहीं देने किसी प्लेयर्स को। आप आज भी यही कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर आज भी हमारा मैच विनिंग बॉलर है क्योंकि वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन बॉलिंग करने के लिए मांगता है। जो उनकी परफॉर्मेंस से नहीं दिख रहा कि वो आपका फ्रंट लाइन बॉलर है, वो पेस नहीं है, वो टर्न स्विंग नहीं है, वो सो डू यू थिंक के ये मिकी आर्थर के जो एक्सक्यूजेज हैं वो सारे गलत हैं? एक तो खुद ही कहते हैं कि हम ज़्यादा क्रिकेट खेलें, दूसरी तरफ जो बेंच में आपके सुपरस्टार प्लेयर्स बैठे हैं, सुपरस्टार्स नहीं तो अच्छे परफॉर्मर्स बैठे हैं, उनको आप चांसेस नहीं दे रहे? देखें, बात ये है कि जब आप की खामियां होती ना तो फिर आप उनको छुपाते हैं, और छुपाते कैसे? वर्ड्स के जरिए, जो आज मिकी आर्थर ने किया है। आपके पास इस वक्त सवालिया निशान है बैटिंग कोच का, सवालिया निशान है बॉलिंग कोच का, सवालिया निशान है फील्डिंग कोच का। आपके तीनों डिपार्टमेंट में आप देखें आप कितना फ्लॉप गए, इस पूरे सीरीज में आप एक्सपोज हो गए। बिल्कुल सही। आप टेस्ट सीरीज में भी एक्सपोज हुए, आप वनडे में भी एक्सपोज हुए, आप T20 में भी एक्सपोज हुए। अगर बैटिंग कोच वहां मौजूद है तो क्या बैटिंग कोच आपके प्लेयर को ये नहीं बता सकता कि किस सिचुएशन में आपने कब हिट आउट करना है और कब हिट आउट बॉल्स को आपने डेड बॉल खेलनी है? कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, जैसे बाबर आजम की मैं बात बोलूंगा, जिस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट में वो सामने आया है, मतलब ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अभी तक की तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान की लास्ट एक दो साल के अंदर ये बेस्ट प्रोडक्ट आपको मिली है। अब ये के बात ये कि आप इस प्रोडक्ट को किस तरह से आगे लेके जाते हैं। हाँ, कि अगर आपने खराब करना है तो दो सीरीज मिलती है खराब करने की, आप नंबर ऊपर नीचे कर दें वो खराब हो जाएगा। कुछ प्लेयर्स वाकई खराब भी हैं, उन पर बात करेंगे, जैसे हमने आसिफ अली को देखा है परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। एक कॉलर है हमारे साथ मीरपुर खास से, फहद साहब हैं। जी फहद साहब, क्या सवाल है? आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है। ताहिर भाई, बल्कि इमरान की तरफ चले जाते हैं। इमरान, जैसे बाबर आजम की बात की ताहिर ने, आई कम्प्लीटली अग्री, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग प्लेयर, और अल्लाह करे कि उनकी ये फॉर्म ऐसी ही रहे। और हमने आज सोशल मीडिया पे देखा कि उनके T20 के रिकॉर्ड्स कोहली से बेहतर हैं, सो मैं तो ये लिखने वाला था कि अल्लाह करे वो ये रिकॉर्ड्स ना देखें और पाकिस्तान के लिए वो इसी तरह परफॉर्म करते रहें और किसी से कंपेयर ना करें उनको, बिकॉज ही इज़ हिमसेल्फ, मतलब बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं वो। लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो
अच्छे परफॉर्मर्स होने के बावजूद टीम में रह के अब उनकी परफॉर्मेंसेज बहुत तनजुली की तरफ जा रही हैं। हसन अली का ताहिर ने बड़ा क्लियरली मेंशन किया कि वो रिदम में बिल्कुल नहीं दिखे, सीखे नहीं वो गलतियों से। बहुत अच्छी पिचेस थी, ये बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस थी। आज मिकी आर्थर ने कहा भी, जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो वो कह रहे थे कि वहाँ की पिचेस ख़राब हैं, गलत हैं। आज वो कह रहे हैं कि वहाँ की पिचेस डिफिकल्ट है बैटिंग के लिए। खैर एनीवेज, बट देर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो टीम का हिस्सा होते हुए इंप्रूव नहीं कर पा रहे, उनकी परफॉर्मेंसेस दिन ब दिन यू नो एक्सपोज होते जा रहे हैं। उसमें आप आसिफ अली को देख सकते हैं, उसमें आप हसन अली की बात हो गई, इवन शादाब की भी परफॉर्मेंसेज थोड़ी सी बुरी होती जा रही हैं। क्या क्या रीज़न लगती है, डू यू थिंक कि जो सपोर्ट स्टाफ है वो अपने काम पूरा नहीं कर रहा? देखिए दो पहलू हैं फैसल, जिस तरह से ताहिर ने भी बात की है, आपका भी सवाल है। एक पहलू है सपोर्ट स्टाफ का। देखिए बैटिंग कोच की अगर आप बात करें, टेस्ट मैचेस में, वनडे मैचेस में, T20 मैचेस में, बैटिंग कोच का क्या किरदार है पाकिस्तान की सपोर्ट स्टाफ में? और क्या कोई पाकिस्तानी कोच होता, बैटिंग कोच होता इतने लंबे अरसे तक, क्या वो हम उसको टीम का कोच रखते? तो ये दोहरा मयार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से है। सच्ची बात, आप अपने कोचेस को तो चंद माह भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप उनको घर भेज देते हैं, और आपके हेड कोच तो एक्सपेक्ट करेंगे नेक्स्ट टर्म भी लेंगे। आपने किस कारकर्दगी की बुनियाद पर ग्रांट फ्लावर को इतने अरसे से कोच रखा हुआ है? अगर आज भी पाकिस्तान के बैटिंग में, पाकिस्तान के बल्लेबाजों में इनफरादी तौर पर, आप इज्तमाही तौर पर छोड़ दें, इनफरादी तौर पर खिलाड़ियों की बैटिंग में, उनकी तकनीक में, उनके टेम्परामेंट में, बैटिंग टेम्परामेंट में उनकी बैटिंग स्किल्स डेवलप नहीं हो रही हैं, अगर वो अपनी सलाहियतों के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो मुझे बताएं अगर खिलाड़ी ज़िम्मेदार है, खिलाड़ी को तो आप ख़राब कारकर्दगी पर निकाल बाहर करते हैं। आपने उमर अकमल को निकाल बाहर किया, आपने फवाद आलम को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आप खुर्रम मंजूर को सिलेक्ट नहीं करते हैं, आपने कामरान अकमल को सिलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है? ये एक फैसला ये है। दूसरा फैसला ये है, बरसा बरस से ग्रांट फ्लावर टीम के साथ हैं, पाकिस्तान की टीम में क्या बेहतरी पाकिस्तान की टीम बैटिंग में क्या बेहतरी आ गई है कि जिसकी बुनियाद पर हम हर साल उन्हें कॉन्ट्रैक्ट उनका रिन्यू कर देते हैं, तजदीद नौ कर लेते हैं, उनको फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ लग देते हैं? तो ये सोचने की बात ये है कि क्या हमारे पास कोई ऐसा बैटिंग कोच पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों की तरबियत कर सके, रहनुमाई कर सके? जावेद मियादाद यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या? यहाँ पर शोएब मोहम्मद यहाँ पर मौजूद नहीं है क्या? मिसबाउल हक और यूनुस खान पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है क्या? मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग मोहम्मद यूसुफ को सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान, ठीक है इमरान भाई, एक कॉलर हमारे साथ हैं सऊदी अरब से, इमरान साहब ही ने शायद ज्वाइन किया है हमें, लियाकत साहब है, सॉरी जी लियाकत साहब, क्या सवाल है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम लियाकत साहब, क्या क्या सवाल है? आई थिंक लाइन नहीं, मेरा नाम नियाज अली है जी। नियाज अली साहब क्या सवाल है? लाइन ड्रॉप हो चुकी है। और राइट ताहिर आपकी तरफ आएंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमने ये और ये बारह हम बात कर चुके हैं कि अगर आपके स्टाफ में बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स होते हैं तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें वकार यूनुस साहब का ज़माना भी याद है, लेकिन हमें याद है कि जावेद मियादाद साहब के ज़माने में हम अच्छी यू नो प्रोडक्ट्स लाने में कामयाब थे। लेकिन हम देख रहे हैं आज के, अगेन आई विल रेफर टू द यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज मिकी आर्थर की हुई, जिस तरह डोमेस्टिक को वो रेफ़र करते हैं बड़ा अजीब सा लगता है, जिस तरह इंजमामुल हक और जिस तरह मिकी आर्थर रेफ़र करते हैं, उनके उनके दिमाग में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। ही वॉज़ लाइक के बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है, ये क्या है, ये जो मतलब आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज़्यादा डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, उनका फ्यूचर का क्या ताहिर भाई? मतलब वो ऐसे बोल देना, एजाज चीमा जैसा बंदा, फवाद आलम जैसा बंदा, खुर्रम मंजूर जैसा बंदा, ये लोग क्या अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं? देखिए बात ये है फैसल भाई, कि एक बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो एकदम जाते ही मैट्रिक नहीं करता है, वो स्टेप बाय स्टेप लेके सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर वो इंटरमीडिएट, इस तरह से जाता है। इनसे खाली ये पूछें, इन कोचेस से, इन सेलेक्टर्स से, कितने लोग नंबर ऑफ मैचेस देखते हैं आपके डोमेस्टिक में जाके, राउंड के मैचेस? ताहिर भाई आपको नहीं लगता कि मिकी आर्थर को रेप्रिमांड करना चाहिए इस चीज़ों पे कि आप क्यों, मतलब आप डोमेस्टिक क्रिकेट को क्या इतना बेकार समझते हैं? सिर्फ वो मैच देखते हैं मिकी आर्थर साहब जो LCCA पे हो रहा होता है, क्योंकि जो नेक्स्ट टू एकेडमी होता है, या कजाफी में जो हो रहा होता है क्योंकि वो नेक्स्ट टू NCAA अंदर है, ये वो देखते हैं मैच।
या फाइनल में आपको नजर आएंगे, क्योंकि कैमरा होता है, हर चीज चल रही होती है, सिलेक्टर बैठे होंगे ऊपर, मिकी और शायद अगर हो गया, अगर लाहौर में हो तो वो डेफिनेटली मौजूद होगा, अदरवाइज आपको कोई बंदा नजर नहीं आता। वैसे कोचेस को लेके बहुत ज्यादा गलत चीजें हमारे मुल्क में हो रही हैं, उसमें मजीद बात करें। कराची से हमारे साथ एक कॉलर है, कौन साहब है, क्या सवाल है? मैं सुमेर बात कर रहा हूँ कराची से। जी सुमेर भाई, सवाल क्या है? सवाल ये है कि यार ये जो आसिफ अली को इन्होंने यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे इन्होंने खिलाया था, पिछली सीरीज में देखा जाए कि सरफराज अहमद की कैप्टनसी के हवाले से तो उन्होंने उनको यूटिलाइज बहुत अच्छा किया था, उन्होंने उनको मिडिल और जो मिडिल ऑर्डर में नहीं बल्कि बिल्कुल अपर में उनको खिलाया था सेकेंड पोजिशन पर, तो जो वो सेटल होने के बाद वो अपने हार्ड स्ट्रोक खेलता है, स्टार्टिंग में वो सेट होता है फिर स्ट्रोक खेलता है, इस बार इसको बिल्कुल डाउन पोजीशन पे लाए तो बिल्कुल वो डबल माइंड हो गए। ठीक है, ये होता है कैप्टनसी का मयार के प्लेयर को यूटिलाइज कैसे करना होता है। ठीक है, की अच्छी बात ये कि प्लेयर को यूटिलाइज अच्छे तरीके से करते थे। बिल्कुल सही है, वेरी गुड क्वेश्चन, हम आज सवाल का जवाब लेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, हमारे साथ स्टूडियोज में है ताहिर खान और हमें टेलीफोन लाइन पे लाहौर से ज्वाइन किया है हाफिज इमरान ने। ब्रेक पे जाने से पहले कराची से कॉलर थे सुबेर साहब, उनका सवाल था ताहिर कि शोएब की कप्तानी में हमने देखा कि आसिफ को जो भेजा गया वो शायद उस नंबर पे नहीं भेजा गया जहाँ उनकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, लेकिन आई डोंट अग्री विद इट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं, क्योंकि सेकंड मैच में भी उनको सही सिचुएशन में भेजा गया कि जल्दी रन चाहिए थे बिकॉज बाबर आउट हुए थे उसके बाद उनको भेजा गया था, लेकिन डू यू थिंक के सरफराज की कप्तानी और शोएब की कप्तानी में एक डिफरेंस दिखा, एक अग्रेशन का डिफरेंस तो हमें दिखा? लेकिन डेफिनेटली सरफराज की जो कैप्टनसी होती है वो फुल ऑफ एग्रेशन होता है और वो उसको पता है कि यार मैं अगर किसी को शाउट भी कर रहा हूँ तो जस्ट पूरा हीट ऑफ द मोमेंट है, उसके पास उसको भी इतना बैड नहीं लेता मलिक, क्योंकि एक थोड़ा काम और इजी रहने वाले हैं और जिस तरह से हमने पहले भी मलिक की कप्तानी देखी एज इट इज़ वैसी कप्तानी, एक कप्तानी एज अ पार्ट उन्होंने इसको पूरा किया है कि एक जो गैप आया था उस चीज़ को उन्होंने फिल किया है। आसिफ अली की बात है, देखिए बात यह है कि आपको कितने चांस मिले हैं फैसल भाई, कितनी सीरीजों से आपको मिल रही, आप कब सीखेंगे, आप कब सीखेंगे, क्या आप सिर्फ छक्के मारने की रखे हमने भाई, छक्के के अलावा भी क्रिकेट होती है, सिंगल भी लिया जाता है, आप दो रन भी ले सकते हैं, आप चौके भी मार सकते हैं। बाबर आजम ने क्या किया जब उसको क्लासिक क्रिकेट उसने शॉट्स जब खेलना चाहिए तब उसने शॉट्स खेले, जब नहीं खेलना चाहिए तो वो बिल्कुल सिंगल 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 सिंगल्स पे स्ट्राइक रोटेट करता रहा। बिल्कुल सही, इसी तरह मैं बात बोलूं, ताहिर हमने देखा कि आखिरी T20 में हमने खेला, हमने देखा कि साउथ अफ्रीका के बिल्कुल एंड में भी बंदे ने 50 मार दिए, सो विकेट ऐसी थी कि जहां आप खुद को अप्लाई करते तो वहां रन कर सकते थे। आपकी बात बिल्कुल सही है कि आसिफ से बहुत सारे सवाल पूछने चाहिए और शायद उसको वापस डोमेस्टिक में भेजना चाहिए कि भाई सेट हो, बिकॉज हमने देखा कि अप्लाई नहीं कर रहे थे खुद को, बॉल पे पूरा नहीं आ रहे थे, और दूसरा हमने और भी परफॉर्मेंसेस बड़ी ऐसी थी जिस पे जरूर बात करनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ हैं, कौन साहब हैं, क्या सवाल है? सर मैं नासिर बोल रहा हूँ। जी नासिर साहब, नासिर अकरम। जी नासिर साहब, क्या सवाल? मेरा हाफिज इमरान से सवाल है कि शालामार से मैं बात कर रहा हूँ। जी जी पूछे। मेरा हाफिज इमरान से सवाल है कि हाफिज साहब वहाब रियाज के बारे में जरा थोड़ी सी बात कर दिया करें। हाफिज साहब वहाब रियाज के बारे में बात कर लिया करें यार, फौरन कर लें, मूछे उनकी दोबारा होंगी इस बार ऐसी या नहीं होंगी? यार आज उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उधर बांग्लादेश में भी, 3 विकेट ली हैं। सही है, हाफिज साहब मुझे जान गए होंगे, मैंने हाफिज साहब के प्रोग्राम में बात की है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका नासिर, बहुत शुक्रिया। और देखें वहाब की कारकर्दगी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत अच्छी है, उन्होंने हैट्रिक भी किया है, वहाँ पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। गुज़िश्ता वर्ष पाकिस्तान सुपर लीग का जो एडिशन हुआ था उसमें उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही थी। असल में जैसे अभी ताहिर और आप आसिफ अली की बात कर रहे हैं, मेरा ये ख्याल है कि कुछ जिनको आपने खिलाना होता है या जिनको आपने बनाना होता है उनके लिए आपके मायार और होते हैं, और जो आपके पसंदीदा नहीं होते हैं, जिनको आप नहीं खिलाना चाहते हैं उनके लिए आपके मायार और होते हैं। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल वहाब के साथ भी हो सकती है, लेकिन उन्हें चांसेस भी मिले हैं। एक टाइम में वो पाकिस्तान के लीडिंग बॉलर थे, हमारी पेस बैटरी को लीड कर रहे थे, और यकायक जब कोच ने उनके बारे में एक बयान दिया, अपने ख्याल का इजहार किया, वो फिर मंजर से गायब हो गए। अगर कोई खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो जिस फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, आप कम अज़ कम उसको उसमें तो मौका दें, जैसे फवाद आलम ठीक है, और कुछ नहीं तो चार रोज़ा क्रिकेट में जब वो परफॉर्म। इमरान साहब अगर आप अलाउ करें तो एक मिनट आपको लिए, आपको एक मिनट के लिए होल्ड करवाएंगे, हमारे साथ कतर से एक कॉलर है, उनकी कॉल ले लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी कौन साहब है, क्या सवाल है? जी सलाम अलैकुम, मेरा नाम कलीम है, कतर से बात कर रहा हूँ। जी कलीम साहब, सवाल मेरा था जी हुसैन तलत के बारे में।
जी जी हुसैन, मुझे तो लगता है जी वो वनडे में भी सिलेक्टिव नहीं है तो वो T20 में कैसे खेल गया। वेरी गुड क्वेश्चन सर, मैं अभी इसी सवाल पे आने वाला था। हम ताहिर भाई का पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ले लेते हैं। हुसैन तलत, ताहिर भाई वेरी यू नो आई एम वेरी कंसर्न जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। जब वो रन कर लेते हैं उसके बाद जो वो शॉट खेलने जाते हैं उनका मुंह ऊपर होता है, बैट नीचे होता है, और हम देखते हैं बाबर आजम को देखते हैं कि एंड तक वो बॉल को देख रहे होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक इट इज जो जिससे हुसैन तलत ने खेला है। बात ये है फैसल भाई, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे जब आप लड़के को खिलाएंगे एक परफॉर्मेंस पे तो यही आपको प्रोडक्ट सामने मिलेगी। आप डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं लेते हैं लड़के को जो चार दिन में एक एक दिन दो दो दिन बैटिंग करता है, वहां पता लगता है टेम्परामेंट का। ठीक है उसने बैटिंग की है लेकिन आप नंबर ऑफ 13 बॉल्स डॉट बॉल आप खेले उस मैच में, ठीक है आपने 48 किए, 13 डॉट बॉल्स हरवा के चले गए पूरा। देखिए बाबर आजम ने क्या किया, आप चले आप नहीं देखें, आप सिर्फ अपने पार्टनर को देखें कि आपका पार्टनर क्या प्लान के साथ आया है। अगर उसको हिट आउट का बॉल नहीं मिलता वो सिंगल ले रहा है, आप हिट आउट करे जा रहे हैं, आपकी बॉडी कहीं है, बल्ला कहीं है, मुंह किधर है, वॉच द बॉल, ये तो बेसिक चीज होती है। तो जो अंडर 12 बच्चे को बताई जाती है कि बेटा बॉल को देख के मारो। सही बात, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह से आउट हो रहे हैं और इतनी हट के आउट हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको डर लगा हुआ है कि यार बाउंसर ना आ जाए मुझे बॉल लग नहीं जाए। आपको लगता है तायर एक पॉइंट पे हमने देखा था कि सरफराज उनको नहीं लेते थे टीम में बिकॉज वो ये समझते थे कि थोड़े से सेल्फिश प्लेयर हैं, अपनी इनिंग खेल ली उसके बाद उनको समझ नहीं आता था कि अब करना क्या है। डू यू थिंक इसमें भी वो इसी माइंडसेट के साथ थे, उनको समझ नहीं आ रहा था? ये इसका जवाब लेते हैं, एक सऊदी से कॉलर है उनकी भी कॉल ले लेते हैं। कौन साहब है, क्या सवाल है? आई थिंक कॉल नहीं कनेक्ट हुआ। तायर भाई योर आंसर ऑन दिस के जी जी वालेकुम सलाम जी भैया, क्या क्या सवाल है जी भाई? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये जुनेद खान ठीक है, हम हाफिज इमरान साहब से पूछ लेते हैं कि वहाब रियाज का तो आपने बता दिया कि अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी लेकिन मिकी आर्थर साहब की गुड बुक्स में नहीं है तो ही कांट बी पार्ट ऑफ द टीम। अब मोहम्मद आमिर हमारे प्रीमियर बॉलर है जो विकेट नहीं ले पा रहे, जुनेद खान का बता दें सर, हमने तो बहुत बातें की हैं, जरा आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेते हैं। जुनेद खान वाई इज ही नॉट इन द टीम? देखें सर फिर मैं आपको बताऊंगा कि जिसको आपने खिलाना है उसके लिए आपके मायार और हैं। सही है, मोहम्मद आमिर कारकर्दगी अगर उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन वो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर हैं, वो हमारे लीडिंग बॉलर हैं, कारकर्दगी अच्छी नहीं है लेकिन वो टीम का हिस्सा होंगे। शादाब खान अगर अच्छा नहीं खेलेंगे चूँकि हमें पसंद है वो टीम का हिस्सा होंगे। क्या पाकिस्तान की टीम में चुनाव के लिए इंतखाब के लिए मायार पसंद नापसंद है या कारकर्दगी है? अगर जो मायार है वो कारकर्दगी है तो फिर जुनेद खान किस बुनियाद पर बाहर हैं? बिल्कुल सही बात फिर है। फवाद आलम को 5 रोजा मैचों के लिए सिलेक्ट क्यों नहीं किया जाता? और इमरान साहब आज मिकी आर्थर साहब ने मोहम्मद आमिर के सवाल पे जवाब दिया कि मोहम्मद आमिर वो बॉलर है जो क्रंच मोमेंट्स पे जो आता है कप्तान के पास वो कहता है मुझे बॉलिंग करानी है। डू यू थिंक ये वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे कोई भी बॉलर आपका प्रीमियर बॉलर होना चाहिए चाहे वो विकेट ना ले? क्रंच आपका क्रंच मोमेंट आया ही ना, आप एक तरफा मैचेस जीतते जाएं तो फिर क्या होगा? सही है, फिर तो बॉलर ये तो कोई बात नहीं है। दूसरा मसला मैं आपके साथ, देखें हम अभी बात कर रहे हैं कोचिंग स्टाफ की, हम अपने खिलाड़ियों के ऊपर तलत की बात की, बड़ी अच्छी बात की, एक ऐसा मैच जिसमें आपके पास रन्स ऑन बोर्ड हैं, आप आजादाना शॉट्स खेल रहे हैं, आपको दूसरे से सपोर्ट मिल रहा है लेकिन आप मैच फिनिश नहीं कर पाए हैं, 50 रन्स उनके वो नहीं गिने जाएंगे। आज भी दुनिया ग्रैहम बूच को नहीं जानती, दुनिया इमरान खान को जानती है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। सही बात है, हुसैन तलत को कौन याद रखेगा? याद रखे जाएंगे जो जीते जाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि जिसका जो काम है हम उससे लेते नहीं हैं, हम अपनी मनपसंद चीज़ों से काम करते हैं। हमारे चीफ सेलेक्टर साहब अफगानिस्तान में कोचिंग कर रहे थे, हमने उन्हें चीफ सेलेक्टर बना दिया। मोहसिन खान साहब जो कामयाब कोच हैं उन्होंने सिलेक्शन से कोचिंग में गए, कोचिंग में उन्होंने कामयाबियां पाकिस्तान के लिए हासिल की, हमने उन्हें बुढ़ा के क्रिकेट कमेटी में बिठा दिया। अगर आप अलाउ करें तो आज एक नए मुल्क से हमें कॉल आ गई, जर्मनी से हमें एक कॉल आ रही है, वो कॉल हम ले लेते हैं, देखते हैं कौन साहब है हमारे साथ, कौन साहब हैं और क्या सवाल है। थैंक यू फॉर योर कॉल फ्रॉम जर्मनी। वालेकुम अस्सलाम सर, शुक्रिया आपकी कॉल का। सवाल पूछा सर, जहीर बाप मेरा नाम है। अच्छा ठीक है, आपका तो नाम भी सर लेजेंड क्रिकेटर्स वाला है। आपसे एक आदमी ने सवाल किया है वो तलत हुसैन वाला। जी जी जी, उसका भी मैं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल T20 का प्लेयर नहीं था। दूसरा देखें वो जो बाबर आजम खेला है, जी जी, तो बाबर आजम ने पहले 19 बॉल पे 43 किया, जी उसके जी बाद वो अपनी 50 करने के लिए चला गया और 34 बॉल पे 50 किया, यानी उसको पीछे से कोई बताने वाला नहीं था कि हमने 188 पूरा करना है। और दूसरा ये देखें कि ये मलक का काम था
कि वो दो मैच में समर हुसैन को भेज रहा, बाद में रिजवान को भेज दिया उसने दूसरे लेग। सही है, यानी उनको पता नहीं चल रहा कि हमने 188 पूरा करना है। और दूसरा मैंने हाफिज साहब से बात करनी थी कि ये जो आप बता रहे हैं कि उसका फवाद आलम का, खुर्रम मंजूर का, खुदा के लिए यार वो तो अभी वो इतनी उम्र में हो गए हैं, उनको छोड़ दें, वो सिर्फ अपने मुल्क में खेलने वाले प्लेयर है। कभी देखा अपने मुल्क से बाहर जाके वो नहीं खेल सकते? हमने तो कभी नहीं देखा। सर उन्हें खिलाएंगे तो कोई नया प्लेयर हो जाएगा। सर फवाद आलम, फवाद आलम मुल्क से बाहर भी अच्छा खेले हैं, उनका अगर आपको एशिया कप याद हो अच्छा खेला था उन्होंने। 34 उम्र है उनकी। एनीवेज तो अभी वो क्या क्रिकेट खेलेंगे? ठीक है सर, बहुत जज्बाती सवाल है आपके। आपने बहुत सारे क्रिकेटर राइट ऑफ कर दिए, लेकिन फैसल साहब, हां जी फैसल साहब, मैं देखें चलें, हम भूल जाते हैं, वैसे नहीं भूलना चाहिए। फवाद आलम की जो क्रिकेट, जो उन्होंने गैर बैरून मुल्क जाने की बात की है हमारे मोहतरम नाजर ने, जब आप उनको सेलेक्ट करेंगे टीम के साथ तो वो गैर मुल्क जाएंगे ना, उसके बगैर तो वो नहीं जा सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल। पहली बात, दूसरी बात यह है कि अगर उनकी परफॉर्मेंस को हम एक तरफ रख देते हैं, आबिद अली का क्या कसूर था? सही बात है। उसने रन्स क्या रणजी ट्रॉफी के लिए किए थे? सही उसने बात आपकी कायदन ट्रॉफी में रन्स कर दिए, आपने उसको ए टीम के लिए भेजा, उसने वहां पे रन्स किए, सेंचुरियों पे सेंचुरियां कर दी हैं, आपने तो उसे भी मुंतखब नहीं किया। और आपको मसला किस में आ रहा है? आपको मसला बैटिंग में आ रहा है। हाफिज साहब एक ब्रेक पे जाना है, जो ब्रेक पे जाके हम वापस आएंगे। मैं आज जरूर अपने व्यूअर्स को एक कंपैरिजन करवाना के सुनवाना चाहता हूँ, बिकॉज ताहिर ने बॉब बुलमर की कप्तानी में खेला, एक फॉरेन कोच थे, हम कंपैरिजन करेंगे कि वो कैसे कोच थे और मिकी आर्थर कैसे कोच हैं। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन स्पोर्ट्स वन, हमारे साथ है ताहिर खान और हाफिज इमरान। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे हमने अनाउंस किया, बिकॉज ताहिर खान हमारे साथ हैं, थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं उनका। ताहिर, आपने बॉब बुलमर की कोचिंग में खेला है और बड़े आपने मुझे किस्से सुनाए हैं, जिस तरह वो यू नो टेल एंडर्स को बैटिंग कराते थे, उस तरह की चीज़ें। सो अगर थोड़ा सा कंपेरिजन करें, हम मिकी आर्थर को देखते हैं, काफ़ी ब्रेव काइंड ऑफ अ कोच है, इतनी बड़ी सीरीज़ है हारने के बाद भी कोई माथे पर शिकन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं दिखती। बॉब बुलमर को हमने तो टीवी पे ज़्यादा देखा है और उनकी जो अपीयरेंस थी बहुत ज़्यादा कंसर्न कोच लगते थे। सो इफ़ वी हैव टू कंपेयर दीज टू, कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत बड़ा फ़र्क है फैसल भाई, पर्सनालिटी का बहुत बड़ा फ़र्क है। वो जितनी ग्रेट पर्सनालिटी थे उससे बढ़कर इंसान थे वो उनके हमने जब कैंप्स में भी रहे, टीम में जब मैं था, टीम में वो कोच भी थे, कभी भी उन्होंने ये चीज़ शो नहीं की कि मैं कोच हूँ। कहते मैं तुम्हारा एक गाइडियन टाइप का हूँ, तुम्हारा भाई भी हूँ, तुम्हारा दोस्त भी हूँ, मुझसे आगे डिस्कस करो तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स हैं, तुम्हें नेट पे जाना है मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। इवन बॉलर्स के साथ उनके ये रवैया था, मैं जिस तरह से मैं आपको ब्रेक में हमने एक वाक्य बता रहा था कि उन वो ज़्यादा प्रेफर करते थे कि जी बॉलर्स को हमने बैटिंग करानी है, क्योंकि बॉलर्स जब बैटिंग करेंगे, जब वो यूज टू होंगे उन कंडीशन के, जब बैट्समैन तो ऑलरेडी बैटिंग करता ही है मैचेस में, न्यूजीलैंड से 4 रन से हारे थे वो शायद ना होता वो एग्जैक्टली। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, मतलब अगर आपको बॉलर को पता है कि बैटिंग किस तरह करनी है, मैंने इन सिचुएशन में रोकना है, दूसरे को साथ देना है, तो उसको पता है कि वो जब उसने उस फेज से गुजरा होगा नेट्स में तो वो चीज को इंप्लीमेंट करेगा मैच में। जब आपने आप देखना है जी हसन अली, जो यार मारो तुमने, तुम्हारे बिग हिट्स अच्छे, तुम अपना नेट पे इस तरह खेलो, भाई अगर वहां सिचुएशन रोकने की तो वो किस तरह सरवाइव होगा? सही बात, आप नहीं बता रहे किसी को। आपने इतनी बड़ी टीम लंबी फेरिस बनाई हुई कोचिंग की, मेरे ख्याल में तो वो यूजलेस है अगर आपके पास रिजल्ट नहीं दे सकते आप अगर सिर्फ ICC चैंपियंस ट्रॉफी को ही लेके अभी तक चल रहे हैं तो ये इनकी भूल है। मैं नहीं समझता कि आगे चल के इसका होगा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है बॉब विल्मर में और मिकी आर्थर बॉस में। ऑलराइट, अच्छा इमरान आपसे पूछेंगे कि आज मिकी आर्थर ने ये शिकायत की कि हमारे पास इतना बड़ा पूल ऑफ प्लेयर्स नहीं है। इंडिया की अगर बात की जाए तो दे हैव अ ह्यूज लिस्ट ऑफ प्लेयर्स, दे हैव अ बिग पूल ऑफ प्लेयर्स, हमारे पास सिर्फ 19 प्लेयर्स हैं, 20 प्लेयर्स हैं जो हम वर्ल्ड कप के लिए सोच रहे हैं। डू यू थिंक के बहुत सारे प्लेयर्स इसमें इग्नोर होने वाले हैं और जो चहीते प्लेयर्स हैं वही सिर्फ हिस्सा दिख रहे हैं, यू नो जो 16 रुकनी या 19 रुकनी हम अनाउंस करेंगे प्लेयर्स वर्ल्ड कप के लिए? मेरी लाइट नहीं आ रही सर, मेरे पानी में आधा गिलास खाली है, मेरी चाय में चीनी कम मिलती है, मुझे दूध में पानी मिलता है, मेरे खाने में सुबह जब मैं नाश्ता करता हूँ तो अंडा नहीं मिलता है, बाकी चीज़ें मिलती हैं, दोपहर के खाने में जब मैं खाना खाता हूँ तो मेरे खाने में तेल का कम होता है, घी कम होता है, ये तो अच्छा मेरी है। रोटी थोड़ी सी जली होती है, जब शाम का खाना मैं खाता हूँ उस वक्त रोटी मुझे जली हुई मिलती है, जब मैं सोता हूँ तो मुझे बेड जो है वो अच्छा नहीं मिलता है, मेरा कंबल है वो ठीक नहीं है। सर ये कोच साहब का काम है, उन्होंने हर चीज़ में वो चीज़ें गिनानी है जो उनके पास नहीं है। सर जो आपके पास हैं आपने उनका रिजल्ट देना है,
क्या पाकिस्तान में क्रिकेट कम होती है? सही बात। आपने हर काम में भारत के साथ मुवाजना जरूर करना है। कितनी टीमें हमारे पास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही हैं? आपके पास कितने प्लेयर्स हैं ऐसे जिनको आप कंसिडर नहीं करते हैं? आपने क्यों जुनेद खान को सिलेक्ट नहीं किया है? आपने क्यों आबिद अली को सिलेक्ट नहीं किया है? बिल्कुल सही बात। आप क्यों फवाद आलम से नजरें चुराते हैं? आपने क्यों उमर अकमल को बाहर किया? आपने क्यों कामरान अकमल को बाहर किया है? सर बात यह है कि जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनका इस्तेमाल करें। चूंकि आप जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, जो जवाब आप देंगे लोग वो आपको सुन लेंगे, लेकिन तारीख इनको अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेगी, ये हकीकत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान में आए, शादाब खान पाकिस्तान में आए, फखर जमान पाकिस्तान में आए, हसन अली पाकिस्तान में आए, फहीम अशरफ पाकिस्तान की टीम में आए, भाई आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि हमारे पास खिलाड़ी नहीं है? बिल्कुल सही। ये दो साल में कितने खिलाड़ी आपके पास आ गए हैं? बाबर आजम पाकिस्तान की टीम में आ गए हैं, वो कहां से आ गए हैं? शान मसूद पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहे हैं, वो कहां से आ गए हैं? सर ये आप लोगों को इस तरह ना करें। आप लोगों को अपनी तरफ से बातें उतारने की बजाय, अपनी जिम्मेदारी लोगों को ऊपर डालने की बजाय आप हकीकत को तस्लीम करें। तीन साल में मैं आपको नाम गिना सकता हूँ कितने खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में आ गए हैं, कितनों को आपने खिला दिया है, कितनों को आपने कितने ऐसे हैं जिनको आपने अपनी मनपसंद होने की वजह से खिला दिया है, कितने ऐसे हैं जो आपको नापसंद है आपने उन्हें बाहर कर दिया है। जब आप पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर लोगों को टीमों से बाहर करें और उसके बाद आप ये कहें कि पाकिस्तान के पास खिलाड़ियों की कमी है, हमारा पूल ऑफ प्लेयर्स कम है। सर पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाना किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सही। मेरी जिम्मेदारी है, ताहिर खान की जिम्मेदारी है, फैसल इलियास की जिम्मेदारी है, या ये वो लोग जो इधर बैठे जवाब दे रहे हैं सवालात का, ये उनकी जिम्मेदारी है? अगर पूल ऑफ प्लेयर्स कम है तो सर आप कोचिंग छोड़े ना कराची किंग्स की, आप आए उस एक सवा महीने में पाकिस्तान की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बैठे, आप मुल्क के तूलवाज में जाएं, आप टैलेंट हंट करें, आप लोगों को निकालें, आप एनालाइज करें पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जितने भी परफॉर्मर्स हैं, आप उस एक महीने में वो कैंप करें ना। आपको एक महीना पाकिस्तान, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 12 माह के मुलाजम हैं, आपको यहां से 12 माह का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, आप उसमें आए। अगर आपको पाकिस्तान के क्रिकेट का इतना दुख है, छोड़ें कराची किंग्स की आप कोचिंग को, आप आए यहां पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पूरा महीना बैठ के काम करें। ये क्या है जो हमें सुनाई जाएगा, हम सुनी जाएंगे, जो वो कहते जाएंगे हम उसको मानते जाएंगे? सर ऐसे नहीं चलता है, आप जिम्मेदार हैं इसके। पाकिस्तान की टीम हारती है तो आप जिम्मेदार हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में जब पाकिस्तान की टीम जीती थी तो एक लिस्ट बन गई थी जिन्होंने नकद इनामात लेने हैं, उनमें तो वो लोग भी थे जिनका कोई टीम के साथ कोई दूर दूर का लेना देना नहीं था, वो भी पहुंच गए थे। आज वो कहें जी कि हमारा इसमें कोई हक नहीं है। भाई जब आप जीतने के बाद लाखों रुपए लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, हारने के बाद आप ये कहें जी हमारे पास पूल ऑफ प्लेयर्स कम है, हमारे पास खिलाड़ियों की जीत में बहुत सारे वो लोग भी आ गए थे जिनका कुछ नहीं करना था। उसमें सबसे पहले मुझे अहमद शहजाद की याद आई कि जिस तरह वो ट्रॉफी छीन छीन के उठा रहे थे। सर देखें वो टीम का हिस्सा तो थे ना, चले हाँ। आपके स्क्वाड का हिस्सा तो थे। आप देखें, आप चलें, आप अहमद शहजाद देखें, जब अहमद शहजाद के ऊपर तनकीद हो सकती है तो फिर दीगर जो लोग जिनका जिनका काम है कि उन्होंने प्लेयर्स को आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत सारी बातें हैं जो हमने मजीद करनी है, दोबारा भी आपको शो का हिस्सा बनाएंगे। ताहिर भाई आपसे बहुत सारी बातें करनी है, सो वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन, कल दोबारा मुलाकात होगी। व्यूअर्स आपका भी शुक्रिया कॉल्स करने का, दोबारा आपसे कल मुलाकात होगी। कीप वॉचिंग आवर शो एंड आवर चैनल। वील सी यू टुमारो।